हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एक बहुत ही जबरदस्त गेम आई हुई है इंटरनेट पे, ब्लैक मिथ वुकोंग, जो कि मैं अपने गेमिंग चैनल पे भी खेल रहा था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो गेमिंग चैनल नहीं है, इस पे उसकी बात क्यों कर रहा है। लेकिन इजी हो जाओ भाई, इधर की ही ऑडियंस के लिए है ये वीडियो। अब मीम्स ही तो नहीं ना करी जानी। ऑल्दो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन करो, मीम्स शीम्स भेजो वहाँ। लेकिन मैंने सोचा थोड़ी इस तरह की भी वीडियो बनाई जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाई पाकिस्तान कांट मेक ब्लैक मिथ वुकोंग। इस जैसी कोई भी गेम या आज तक पाकिस्तान की कोई ट्रिपल ए टाइटल गेम ही नहीं बनी। अगर नहीं भी है तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरे ख्याल में आज तक कोई गेम नहीं बनी। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस टॉपिक पे बात करते हैं। हमें भी हो ना कि इंडस्ट्री कहां जा रही है, मुझे बड़े लड़के देखते हैं जो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये वाली डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक थोड़ा सा अलग है और इसलिए इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि पहले कभी इस बारे में बात ही नहीं की। तो जरा एक दफा सोचो कि भाई आपको क्या लगता है कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मैंने इंडस्ट्री में 2 साल जॉब भी कर ली है, मैंने देखा बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हाउस है, जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस है ना, मैंने देखा कि वो कैसे काम करते हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक इमेज कैसी बनाई होती है और रियलिटी क्या होती है। तो मुझे पता है आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस की, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। बेस क्या है जी? एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज की बात करने वाला हूं मैं। अच्छा, मैं ना जब ये कोर्स सेलर्स वगैरह के बारे में बात करता था तो लोगों को लगता था कि शायद मैं यूनिवर्सिटीज की साइड पे बहुत ज्यादा हूं। भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं कोर्सेज को, लेकिन वो आप उस बंदे की तरफ से रहे हो जो बंदा खुद लेजिट हो, जो बंदे ने खुद कुछ किया लाइफ में, वो बना रहा हूं। मेरा यही होता है कि अब जैसे ई कॉमर्स के कोर्स है, खुद जिंदगी में कोई स्टोर नहीं चलाया और आगे ई कॉमर्स का कोर्स बना दिया, तो मतलब वहां बात खराब हो जाती है। तो एजुकेशन भाई, मैंने भी 4 साल गुजारे हैं यूनिवर्सिटीज में, मेरे ख्याल में कोई मतलब खास फायदा नहीं है यूनिवर्सिटीज का। बड़ी ना ये कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, मतलब उन्होंने लड़कों की एनर्जीज को किस बात पे लगाया होता है, ये वाली असाइनमेंट बना लो, ये कर लो, क्विज होगा ये, और कोई प्रैक्टिकल चीज ही नहीं है। मतलब जो फील्ड में आपने जॉब करनी है ना, जो आपका काम है, वो आप, मैं कहता हूँ 6 महीने में सीख सकते हो, सही है, वो आप साल में सीख सकते हो। यूनिवर्सिटियों की एक मुझे नहीं समझ आती, कभी कभी ना ये भी फील होता है कि जैसे खुद ही गुलाम बना रहे हो, मतलब ना कि यार इनको ना वो वाली एजुकेशन ही नहीं देनी जो मतलब ये लाइफ में बहुत आगे निकल सके, वो वाली एजुकेशन नहीं है, वो बाहर है। अगर वो करना है तो उसके लिए फिर बाहर चले जाओ। मैंने जैसे 4 साल डिग्री की, 5th semester में था, कोविड आ गया, मेरा फोकस थोड़ा यूट्यूब वगैरह साइड पे ज्यादा हो गया, जैसे तैसे डिग्री निकाल ली, लेकिन भैया CGPA फिर भी 3.1 है। फिर मैं गया फील्ड में, जब मैंने जॉब करनी थी तो जो बेसिक चीजें होती है इंटरव्यू की, वो मैंने तैयारी की और मेरी जॉब भी लग गई, और उसके बाद जो जॉब पे काम करना है वो मैंने जॉब पे ही सीखा। मतलब समझ रहे हो, हर जॉब पे आपकी प्रोबेशन होती है, किसी पे प्रोबेशन ना हो तो इंटर्नशिप होती है, मेरी प्रोबेशन थी तो मैंने प्रोबेशन में सीख लिया। तो कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी वालों ने ना अजीब सी चीजें कॉम्प्लेक्स की हुई है, मतलब स्ट्रेट टू द पॉइंट वाली बात नहीं है। और उसके अलावा और बहुत चीजें जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में जरूरत है चेंज करने की। सबसे बड़ा मसला है ना, जो मुझे लगता है ये यूनिवर्सिटीज और ये एजुकेशन सिस्टम से भी बड़ा मसला है, वो है करियर पाथ का। लोगों को यही नहीं पता होता मैंने करना क्या, और जिसको ये पता है कि मैंने क्या करना है, उसको ये नहीं पता कि मैंने कैसे करना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो फिर शायद सही होता हो कि वो प्राइवेट है और लड़के पैसे भर के मतलब कर रहे हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तो भाई टीचर्स डोन होते हैं, मतलब जिसको पता है उसको पता है, मतलब ऐसा होता है कि आप सवाल भी नहीं पूछ सकते टीचर से, और ऊपर से फिर लड़कों की ऐसी कम्युनिटीज बन जाती है कि अगर आप वहां सवाल पूछो तो आपके दोस्त ही आपका चेजा खींच रहे हैं, हाँ भाई तू तो चुक रहे हैं, तू तो ये कर रहे हैं, इस तरह की बातें होने लग जाती है। एक वीडियो का आइडिया मेरे जहन में जो मैं बहुत अरसे से बनाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा यार क्या ही बनानी, मुझे बताओ अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो कि 5 ऐसी चीजें जो मैं करता अगर मैं यूनिवर्सिटी में दोबारा से जाऊं, मतलब समझ रहे हो। तो ये वीडियो उन बॉयज के लिए थी जो यूनिवर्सिटी में है, तो उनको मैं बताऊं कि भाई कैसे करके ना आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। खैर तो गाइडेंस ही नहीं होती, गाइडेंस जूनियर्स किससे ले लेते हैं, मैक्सिमम वो लेंगे अपने से 1 साल सीनियर से। वो सीनियर भाई खुद परेशान है, उससे खुद कुछ नहीं हो रहा, वो उसका FYP उससे नहीं हो पा रहा, वो खुद आउटसोर्स कर रहा है अपना FYP। तो बॉयज को ना पता ही नहीं होता कि गाइडेंस किससे लेनी है। तो ये बात करें कि हम लोग उस टाइप की गेम्स क्यों नहीं बना सकते, कोई भी ट्रिपल ए टाइटल गेम हम क्यों नहीं बना सकते। अच्छा ये आ गया यूनिवर्सिटी वाला लेवल, उसके बाद हम अगले लेवल पे आ जाते हैं कि बॉयज, ये होता ना कि यार ठीक है आपको यूनिवर्सिटी में जो भी हो रहा है, बॉयज आप खुद स्ट्रगल कर लो, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद कर लें कुछ ना कुछ। अब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स की तरफ से चीज गलत होती है वो ये है कि वो एफर्ट ही नहीं डालते, वो यूनिवर्सिटी के सहारों पे बैठे होते हैं। भाई अगर आप आज के दौर में किसी यूनिवर्सिटी में हो ना इस टाइम पे, तो आपके काम आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री ही आनी है, लेकिन वो आपको लेके जाएगी इंटरव्यू तक, उससे आगे आपकी स्किल्स चलनी है। तो बॉयज अपने स्किल्स पे काम नहीं करते। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, C++ होगी, ऊप होगी, DSA होगी, ये वो चीजें हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाओ ना तो आप पहले से ही कर रहे हो, आपको आपको इंटरेस्ट हो इन चीजों में, आप ये इनको एज अ कोर्स ना करो, आप करो कि यार ये तो फन है यार, मतलब देखो मैं भी वही चीज सीख रहा हूं, ये भी वही चीज पढ़ा रहे हैं, तो कैसा सिंक बैठता है। लड़के क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बड़ी ये करते हैं, आए आके ग्राफिक डिजाइन का फाइवर बना लिया, ठीक है, अब वो इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है और इधर वो फाइवर पे ग्राफिक डिजाइन कर रहा है, इधर कुछ और ही कर रहा है। तो मतलब अगर स्किल भी वो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि भाई उसने करना क्या लाइफ में, तो स्टूडेंट के लेवल पे भाई ये बहुत बड़ा मसला। अच्छा मुझे आप लोग बताओ कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये बातें सही भी हैं या नहीं। उसके अलावा भाई टाइम जाए, हॉस्टलों में रह रहे हैं जी, 3-3 बॉयज, 4-4 बॉयज एक एक कमरे में रह रहे हैं, ये एक बात मैं बता दूं भाई, जो आपके ये ब्रोस बने फिर रहे हैं ना, यानी कि हॉस्टल में 4-4 जने रह रहे हैं, एक लड़के ने खाना खाना होता है, सारे उठ के उसके साथ चले जाते हैं कि भाई हमारा तो ब्रो है, ये ब्रोस
मैं कैसे बताऊं यार, ये ब्रोस नहीं रहने कल को, यकीन करो। लोग हमें भी कहते थे भाई, मतलब सेम बात जो मैं आपको कर रहा हूं ना, वो मुझे भी किसी ने की थी। मैं सोचता था कि यार इसका एक्सपीरियंस खराब हुआ होगा, मेरे तो बड़े अच्छे ब्रो हैं, मुझे तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भाई दिस हैपेंस, एंड पे दो बंदे रह जाते हैं मैक्स। ये बता रहा हूं, ये मैक्स बेस्ट केस है कि एंड पे दो बंदे रह जाए, वरना एक बचता है, ठीक है। तो भाई जब पता है, जब यानी कि मैं बता रहा हूँ, जब वही बात है यार, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग मेरी बात नहीं समझोगे, आप लोगों को मेरी बात नहीं समझ आनी कि एंड पे सारों ने छोड़ जाना है, एक दो बंदे रह जाने हैं। आपको लगेगा भाई कि यार नोमी भाई का एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, जैसे मुझे लगता था कि यार उसका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, लेकिन यार चले जाते हैं भाई। तो खैर ये वही वाली बात है जो मैंने कहा ना, कि वो ऐसी पांच चीजें मैं बताऊंगा जो मैं करता अगर मैं स्टूडेंट हो जाऊं दोबारा से यूनिवर्सिटी का। तो ये उस वीडियो का एक टॉपिक है, पूरा एक प्रॉपर टॉपिक, मुझे बताना अगर आपको वीडियो चाहिए। कहते हैं अकलमंद वो बंदा होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख ले। तो भाई अगर एक बंदा भी समझ जाता है ना यार, तो मतलब मेरा तो मकसद पूरा है। अच्छा खैर, हम टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं। खैर ये बात करने का मकसद था कि स्टूडेंट्स अपना टाइम बहुत जाया करते हैं, और एंड पे फिर स्टूडेंट को लग रहा होता है कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता, मैं क्या करूं, मैं क्या सीखूं। खैर ये तो बात फिर कभी करेंगे कि जो स्टूडेंट वाली चीज है ना, जो स्टूडेंट वाली साइड है, वो किस तरह ओके हो सकती है। क्योंकि वही बात है कि टाइम तो गुजर जाता है, और एंड पे फिर आप बैठे होते हो कि हाँ यार अब तो दोस्त भी छोड़ गए और मैं तो दोस्तों के पीछे लगा रहा। तो दिस इज वेरी सैड बट ट्रू एट द सेम टाइम। अच्छा खैर हम वीडियो से नहीं हटते, फिर हम आते हैं इससे अगले लेवल पे, जब आपको जॉब मिल जाती है। तो जॉब वाली जो लाइफ है ना, वो कैसी है यहाँ पाकिस्तान में? अच्छा दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बेस, एक होता है प्रोजेक्ट बेस। जो प्रोजेक्ट बेस होता है वो ऑब्वियसली किसी प्रोजेक्ट पे बेस कर रहा होता है, उनके पास कोई किसी बैंक का एक प्रोजेक्ट होता है या कुछ भी ऐसा वैसा, और वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, वो बैंक इनको पैसे दे रहा होता है मंथली, और इस तरह इस वाले सॉफ्टवेयर का सर्कल चल रहा होता है। इसके अंदर अब ये मसला आता है कि यहाँ ज्यादा लर्निंग होती नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही होता है, उसको बस मेंटेन करना है, कोई बग आ गया हल कर दिया, बाकी तो गुड सीन। और जॉब वाइज जॉब कर रहे हैं ना, जरा भाई को बताना कि सही कह रहा हूं या नहीं। अच्छा ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें आप देखोगे कि चाचे होते हैं, सही है, वो भाई 40 साल के अंकल जी बैठे होंगे, ठीक है, जो अपने साथ वो कर चुके होते हैं ना कि हाँ यार मैं तो अब नौकरी करनी, वो जाते हैं इस वाली साइड पे, क्योंकि उनको पता है इतना ज्यादा कोई खास काम है नहीं, दिमाग खपाना नहीं पड़ना, मेंटेनेंस ही है। अच्छा ये चीजें ना डिफरेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस में ऐसा ही हो। अब एक वो सॉफ्टवेयर हाउस जो प्रोडक्ट बेस है, लेकिन वो प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं, उनका प्रोडक्ट बन रहा है, उससे ज्यादा खपत किसी और में होती नहीं है। तो ये चीजें मतलब वेरी करती है, लेकिन मैं मेजोरिटी केसेस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ना भाई बहुत चीजें खराब है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, मजा आने वाला है भाई। यहाँ क्या होता है, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, मतलब बाहर के क्लाइंट्स पकड़ेंगे, उनको कोई सर्विस देंगे, पर मंथ दे लेंगे या पर प्रोजेक्ट दे लेंगे, उनसे काम लेंगे, यहाँ लड़के रखेंगे और लड़कों से काम करवाएंगे, ओके ऐसे ही है। अब यहाँ एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर हाउस था, मैं नाम नहीं लूंगा भाई, इनके पास बहुत पैसा है, ये मुझे ये ना कहें जी के डीफेम कर रहा है, ऑल्दो मैं डीफेम कर नहीं रहा। उसका नाम ऐसे इंक करके उसका नाम, समझ रहे हो, ठीक है, मतलब जिसको पता है उसको पता है, भाई मैं नाम नहीं ले रहा, आई एम प्लेइंग इट वेरी सेफ। अब जो उसके सीईओ साहब है, वो मतलब वो लेते ही सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनका वीएन था कि उन्होंने 80,000 नौकरियां देनी। आई रिस्पेक्ट हिम भाई, बहुत अच्छा जेन्युइन बंदा है, ठीक है, मतलब मैं मिला नहीं हूं, लेकिन बातों से ऐसे लगता है एज अ सेलिब्रिटी अपने आप को ग्रो किया कि मैं तो भाई 80,000 नौकरियां दूंगा, मैं तो यहां की सॉफ्टवेयर की वो बदल दूंगा, मैं बहुत कुछ कर दूंगा। बाद में अब वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, पता नहीं कोई, अब वो वीएन ही बदल गया, अब पता नहीं क्या बातें कर रहे होते हैं वो भाई। और सॉफ्टवेयर उसका मॉडल क्या था कि यहाँ फैसल नाम का बंदा बैठा काम कर रहा है, और मतलब उसका अकाउंट बना हुआ है टॉम के नाम से। अब गोरों के लिए वो टॉम है, और गोरों के लिए ये फैसल, जिसका एक साल का एक्सपीरियंस है, गोरों के लिए इसका 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब गोरे इसको 8 साल के एक्सपीरियंस पे कर रहे हैं, लेकिन वो जो सीईओ साहब है वो बाकी पैसे अपने पास रखेंगे और फैसल को फैसल की पे दे देंगे। और ये सिर्फ इस वाले सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं है, ये बहुत जगह पे पाकिस्तान में चल रहा है। तो ये हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये जो मतलब कह देते हैं ना कि जी 2 साल में इतने प्लाजे खड़े कर दिए, ये वो हो गया, कुछ नहीं है, ये ऐसे इस तरह आते हैं फिर प्लाजे। तो हमारी बात शुरू हुई थी कि ब्लैक मिथ वुकोंग पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पा रही, वो इस वजह से नहीं बन पा रही क्योंकि ये फोकस है। अब अगर बात की जाए उन सॉफ्टवेयर हाउस की जहां गेम्स डेवलप हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ बड़ा वीआईपी सीन क्या हो रहा है जी इधर अपनी मार्केट में। एक गेम है टेंपल रन, सबने खेली है, सबवे सर्फर सबने खेली है, अब क्या होगा उस गेम का क्लोन बना देंगे, सही है, उस गेम का फोटोकॉपी मार के एक भाई दूसरी तीसरी उसकी फोटोकॉपी बनाई, उसमें करेक्टर चेंज कर दिया, ये एसेट मिल जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट से ये वाले एसेट आप डाउनलोड करो, उसी तरह का एनवायरनमेंट बना बनू के ना, मतलब उसी से मिलता जुलता लोगो लगा के प्ले स्टोर पे गेम चढ़ा दी, ऑब्वियसली उसको डाउनलोड्स मिल जाते हैं, और क्योंकि ये बच्चों की मार्केट है एंड किड्स आर डम, वो तो कुछ भी देख लेते हैं, डेली व्लॉग्स भी तो चल ही रहे हैं इसीलिए। एनीवेज, तो अब क्या हो रहा है कि गेम्स के नाम पे क्लोनिंग की जा रही है। तो ये हमारी गेमिंग इंडस्ट्री ये है, ठीक है, पीसी गेम्स की तरफ तो भाई कोई बंदा आता ही नहीं है इधर, सही है ना, ये आंसर है उन चीजों का कि यहाँ ब्लैक मिथ जैसी कोई और गेम क्यों नहीं बनती, हम अपनी मतलब कोई बड़ी गेम क्यों नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ भी तो टैलेंट होगा ना यार, मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ टैलेंट ना हो, लेकिन बात वही है कि अगर वो टैलेंट जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको वहां खराब कर दिया जाता है। अगर वो वहां भी कहे नहीं यार मैंने एक अच्छा गेम डेवलपर बनना है ये वो, उसके अकॉर्डिंग की फिर जॉब ही नहीं है मार्केट में, वहां क्या चल रही है, वहां तो क्लोन
क्लोनिंग चल रही है, वहां तो उसको एलेक्स बनना पड़ रहा है, टॉम बनना पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं जो हमारे सीईओज हैं मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनके वीएन भी कुछ ऐसे खास नहीं है। और एक तो भाई ये इस तरह की कंपनीज के सीईओज और मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स में फर्क करो थोड़ा सा, ये मैं बड़ी कोडेड बातें कर रहा हूं। बाकी वीडियो थोड़ी सी ना ऐसे अलग टॉपिक पे थी, मैंने सोचा कि यार इस तरह की भी ना बातें किया करें बैठ के, मतलब ना जिसमें हम लोग लाइफ को डिस्कस करें, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है इसको डिस्कस करें। अगर आप लोग आईटी के स्टूडेंट हो तो भाई नीचे कमेंट करके बताओ, अगर आप लोग आईटी प्रोफेशनल हो जो जॉब कर रहे हैं तो बताओ क्या मार्केट में ऐसे ही नहीं चल रहा जैसे भाई ने कहा है। और अगर आप लोग किसी और फील्ड से हो ना तब भी मुझे बताओ जरा, मतलब मैं ना देखना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, ऐसी ही चल रहा है ना जैसे भाई ने कहा है। इसका सोल्यूशन यही है कि पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनल लर्निंग, सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, सेल्फ लर्निंग करो, इन चीजों से आगे बढ़ो, एंड देन स्काई इज द लिमिट। भाई जरूरी नहीं है कि यहीं रह के काम करना है, और अगर यहां रह के काम करना भी है तो बंदा रिमोट ढूंढ सकता है जब आपके पास प्रॉपर स्किल्स होती हैं। हर चीज के तरीके हैं, पाकिस्तान में बैठ के भी चीजें हो जाती हैं, इंटरनेशनली भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन बैठे आप यहीं होते हो हर चीज हो जाती है। तो बस थोड़ा सा फोकस करने की बात है, थोड़ा सा वो जो मैंने बताया ना कि 6 लड़कों का ग्रुप है उससे निकलने की बात है भाई। तो बस यही था, मैं देखूंगा इस वीडियो का क्या रिस्पॉन्स है और उसके बाद हम लोग इस तरह की थोड़ी और डिस्कशन को लेकर आगे चलेंगे। बहुत कुछ है डिस्कस करने को, और बाकी हमारे मीम रिव्यूज वगैरह वो तो आते रहेंगे, शुगल मेला तो करना ही करना है, एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा यार सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं होनी चाहिए मतलब। और बाकी भाई अभी मैं बैकग्राउंड वगैरह पे काम कर रहा हूँ, मैंने इधर प्ले बटन वगैरह भी लगाने हैं, यहाँ ना दीवार में किल ठोकने का दिल नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने इंटरनेट से ये वाला सिस्टम मंगवाया भाई, ये चिपक जाएगा दीवार पे और इसके ऊपर फिर यहाँ करके लग जाएगा प्ले बटन। और उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि पेंट शेंट भी करवाया जाए, थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड कर लिया जाए, क्या कहते हो, ब्लैक बैकग्राउंड कर लो भाई फुल, एंड दैट्स इट भाई। यही था आज के लिए, उम्मीद करता हूँ लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ मैंने बड़े दिल से ये बातें की हैं, सही है। तो मुझे आप लोगों के ना कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पे, थोड़ी सी अलग चीज थी लेकिन भाई बस मैं चलता हूँ, हम लोग मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय।